काम कैसे करेंगे? प्रशासन तो वो तो करके हाँ कि बच्चा गायब हो गया तब फ़ोन करके फ्री हो जाएंगे, हम लोग क्या करें? हमारा तो इकलौता लड़का है, मान लीजिए सब कुछ, हम क्या करें? यदि हो कि घटना तो वही सबके साथ हो सकती है, कोई भी पता चला बाहर के अंदर जाकर मर्डर करके चले आएंगे तो क्या होगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। इस वक्त रीवा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रीवा के सैनिक स्कूल से 10वीं का एक छात्र रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। छात्र का नाम रोहित सिंह है, वह जवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रोहित सिंह पिछले 2 महीने से छुट्टी पर था। सोमवार की दोपहर उसके पिता उसे सैनिक स्कूल में छोड़कर आए थे। देर रात जब स्कूली छात्रों की गणना की गई तो उस घटना की जानकारी सैनिक स्कूल के प्रबंधन को हुई। स्कूल प्रबंधन ने काफी देर तक स्कूल परिसर में छात्र की तलाश की, लेकिन छात्र का कोई सुराग नहीं लगा। बाद में सैनिक स्कूल प्रबंधन ने लापता छात्र के परिजनों को इसकी जानकारी दी। देर रात छात्र के परिजन सैनिक स्कूल पहुंचे। इसके बाद एक बार फिर छात्र की काफी खोजबीन की गई, लेकिन फिर भी इसका कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों ने सैनिक स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए लापता छात्र की तलाश शुरू कर दी है। वहीं छात्र के परिजनों का कहना है कि उन्होंने छात्र को सैनिक स्कूल में छोड़ने के बाद स्कूल प्रबंधन से बात की थी। प्रबंधन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि छात्र सुरक्षित है, लेकिन देर रात जब उन्हें छात्र के लापता होने की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही उनका बेटा लापता हो गया है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, रीवा जिले का एक माना जाना सैनिक विद्यालय, एक बोर्डिंग विद्यालय है। बोर्डिंग विद्यालय से बच्चा गायब हो रहा है तो उसे मान लीजिए बहुत बड़ी है। हम आप किस बच्चे को भेजें अपने बोर्डिंग विद्यालय में? ये सबसे बड़ी विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था जो वहाँ की है वो लापरवाही है। या बाउंड्री डांक कर बच्चा जा रहा है तो बाउंड्री आप इतना ऊंची रखे, बाउंड्री डांके कैसे? भाई मैं तो अपने बच्चे को छोड़ कर आया ना, आज मान लीजिए चाचा जी हमारे अपने भाई को छोड़ के आ गए, अब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि वो काम कैसे करेंगे? प्रशासन तो वो तो करके हाँ कि बच्चा गायब हो गया तब फ़ोन करके फ्री हो जाएंगे, हम लोग क्या करें? हमारा तो इकलौता लड़का है, मान लीजिए सब कुछ, हम क्या करें? ये कौन जवाब देगा? ये प्रशासन व्यवस्था या कोई चीज़ नहीं है, कमियां हैं तो आप हर चीज़ आपके पास बजट है, व्यवस्था करिए, आप बाउंड्री ऊंची करिए। जिस तरह से आप थाने में हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराए, आगे आना कानी कर रहे थे, फिर अब सुबह से फिर मैंने दूसरे से फ़ोन करा कर बात किया तब तो जाके हुआ। अब आप लोगों की मदद की है कि यदि ये जवाबदारी प्रिंसिपल की है, वहाँ की मैनेजमेंट की है, इस पर विशेष एक्शन हो, क्योंकि आने वाले सबके, हमारे घर के आपके सबके बच्चे वहाँ हैं। यदि हो कि घटना तो वही सबके साथ हो सकती है, कोई भी पता चला बाहर के अंदर जाकर मर्डर करके चले आएंगे तो क्या होगा? कोई भी आ सकता है। इससे हमने अनुरोध है कि खासकर प्रिंसिपल पर ये कार्रवाई विशेष तौर पर और मैनेजमेंट पर हो। मतलब वहाँ की लापरवाही, बहुत लापरवाही, कैसे बच्चा गया भाई? इसे बार बार हम दो चैनल बंद कर देते, हमारा बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पाता, वहाँ 8-8 चैनल लगे हैं, सिक्योरिटी लगी, कहाँ से गया भाई? ये तो पहला सवाल है सर। ठीक है, सुशील सिंह नाम है मेरा। क्या मामला है, कहाँ पढ़ता था बेटा आपका, कैसे गया? मेरा लड़का सैनिक स्कूल में पढ़ता था और कल 8 तारीख को मैं 1:20 पर स्कूल में छोड़ा हूँ। इसके बाद मैं चला गया हूँ, 9 बजे रात है। AK शर्मा सर है सैनिक स्कूल के, वो फ़ोन किए कि सिंह साहब आपका, आप अपने लड़के को ले गए हो क्या? तो मैं बोला नहीं सर, आपके तो सामने मैं छोड़ के आया हूँ। तो बोले कि नहीं, आपका लड़का हाउस में नहीं है। तो मैं बोला कि देखिए सर, मैं तो घर चला आया, घर मेरा दूर है। बोले ठीक है, आप ना परेशान होइएगा, मैं दिखवाता। फिर मैं 5 मिनट बाद लगाया तो बोले कि अभी नहीं मिला है, दिखवाता हूँ दूसरे हाउस में। तो जिस हाउस में है तो वो हाउस है, मैंने अभी मेंटेनेंस का काम हो रहा था। बोले कि ठीक है, फिर मैं लगाया तो बोले कि अभी मिला नहीं है। मैं बोला कि आप दिखवाइए, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं आया, फिर वहाँ मैं भी साथ में 2-3 हाउस में घूमा हूँ, नहीं मिला, पता नहीं उसे। क्या नाम था, कौन सी कक्षा में? रोहित सिंह नाम था और कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था। क्या कुछ क्या लगता है आपको, क्या? अब हमें तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगता किसी से, ना वो कभी मेरे के अलावा वो किसी से बात भी नहीं करता, अचानक ना कहीं का शब्द किसी से बोलता था। किस हाउस का? किस हाउस में? विंध्या हाउस में था। थाने में शिकायत दर्ज कराई आपने? हाँ।
थाने में शिकायत स्कूल वाले कराए हैं, मैं भी साथ में था। अभी तक कुछ क्या सीसीटीवी में कहीं कुछ चेक हुआ हो, क्योंकि सैनिक स्कूल सीसीटीवी से कवर है? नहीं, वहाँ तो नहीं है। पहले भी क्या वो इस तरह करती है? नहीं, कभी नहीं। एक बार रीवा में हम थे कोरोना काल में, तो मेरे मामा जी भी हैं हमारे, हाँ तो थे, तो वो मतलब खाना खाने के उद्देश्य मैंने बोला गया, तो बोला कि अभी मैंने बोले नहीं कि नहीं खाऊंगा। फिर ये हुआ था कि मामा जी की बहू थी, तो ये हुआ कि आप बोल दीजिए शायद खा ले, मैं था नहीं, मैं गांव में था। तो इनकी बहू भी बोली मामा जी के, तो बोला कि मैंने फिर नाराज़ हो गए, वो अंदर से बंद कर लिया गेट, फिर पता नहीं कैसे खोला है, और वो मामा जी कमरे के पीछे चला गया। फिर काफ़ी बुलाने के बाद फिर आया, फिर हम भी रात को आए, पर वो मैंने कई बार बोला पर बोला नहीं। जब आप छोड़ के गए हैं तो कितने दिन बाद ये लापता होगी? अभी तो कल है, तो कल ही छोड़ के गए हैं, घंटे बाद ही। हाँ, मुझे तो 9 बजे रात मैंने फ़ोन किए, अब वो कितने बजे निकला ये तो नहीं, पर एक लड़का वहाँ बोला कि अंकल जी जब आप गए हैं तभी वो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बाहर उसका मन मैंने जाने के लिए बैग वैग एक बैग वो लिया था। वही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि छात्र का मोबाइल फोन स्कूल परिसर में मिला है। पुलिस को आशंका है कि छात्र को कोई अपहरण करके ले गया है। जवा के दिनेश सिंह है, जो उनका बच्चा रोहित वहाँ पढ़ रहा था सैनिक स्कूल में, वो नवंबर से पास पे गया था, फिर वो मेडिकल ग्राउंड पे कल उनके पिताजी आए थे सैनिक स्कूल में, जैसा उनका करना था 11 बजे वो सैनिक स्कूल छोड़ गए, और 2:30 बजे 3 बजे वो अपने घर वापस चले गए बच्चों को छोड़कर। रात 9 बजे वहाँ गणना होती है सभी बच्चों की सैनिक स्कूल में, तो वहाँ के जो स्टाफ हैं उनने गणना किया होगा कि ये बच्चा वहाँ नहीं था, तो ढूंढा ढाना भी और उसके पीछे विश्वविद्यालय थाना में भी उनके परिजन को भी किया है, और उसका जो है सूचना के आधार पर जो कि 18 वर्ष से कम है उसके पीछे प्रसन्न का अपराध पंजीकरण विश्वविद्यालय थाना में किया गया है। थाना प्रभारी विश्वविद्यालय और उनकी टीम लगी हुई है कि बच्चे को तलाश में और उनके CCTV फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं। ये भी जानकारी में आया था कि बच्चे के पास मोबाइल था, मोबाइल बनवाने के लिए कर रहा था, तो मोबाइल की दुकान में भी पुलिस जाएगी और उनका पता है। अभी एक टीम रवाना है जांच में। जाँच में अब ये तो जब बच्चा मिल जाएगा क्लास में तो जाँच का विषय है कि वो किस तरह है और कैसे गया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।